चुनाव की गहमागहम नहीं है और स्वाभाविक तौर पर ये चुनाव इस देश के संविधान, देश के किसान, देश के नौजवान, देश की महिलाओं के सम्मान के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही इन सारे स्टेटों में, सारे प्रदेशों में नौजवान किसान आज खुशी से झूम रहे हैं और इसी हालात और इसी बातों के साथ 2019 के चुनाव एक युद्ध से भी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों के साथ, राहुल जी ने मुद्दों के साथ इस चुनाव को लड़ने की पूरी तरह से तैयारी की। मैं गुजरात से आता हूं और वो गुजरात है जो नरेंद्र मोदी जी का है। मैं गांधी और सरदार पटेल के गुजरात से आता हूं और जिस गुजरात को पूरा हिंदुस्तान देखता था, पूरा विश्व देखता था, आज उसी गुजरात मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद भी हासिल किया और आज फिर से देश को गुमराह करने का पूरी तरह से प्रयास हो रहा है। आज गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो और पिछले लगभग 7 दिन से मैं उत्तर प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने यह तय कर लिया कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में वही वादे किए जो वादे हम निभा सके और वो कर सके। किसानों की कर्जा माफी का मामला, नौजवानों को उद्यमी व्यापारी बनाने का मामला, छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का मामला, महिलाओं के सम्मान का मामला, इन सारे मामलों में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी से देश की जनता के बीच में अपने मुद्दे रखे। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कई ना कई मुद्दों से भटक कर पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करने का प्रयास हुआ और आप देखिए 5 चरण के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं परिणाम लगता है कि बीजेपी के खिलाफ आने वाले और कांग्रेस के समर्थन में आने वाले वहीं पर इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अभद्री भाषाएं का उपयोग हो रहा है। जिस राजीव जी ने इस देश को संचार के माध्यम में, क्रांति के माध्यम में इस देश को मजबूत करने का, 21वीं सदी में इस देश को मजबूत करने का काम किया था, अब उन्हीं राजीव गांधी को कहीं ना कहीं खराब दिखाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो मुझे लगता है इस देश के लिए बड़े दुख की बात है। आज मैं भोपाल के कुछ ग्रामीण इलाकों में था, कुछ किसानों ने मुझे अपने मोबाइल दिखाया और कुछ किसानों के जिन लोगों ने मुझे अपना मोबाइल दिखाया, 1,99,000 रुपए का कर्जा माफी का उनका मैसेज था। हम लोगों ने सरकार बनते ही 10 घंटे में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कर्जा माफी कर दिया और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सच्चाई के साथ राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने देश के किसानों के बीच में यह वायदा रखा कि सरकार बनते ही हम देश के किसानों को मजबूत करेंगे। अगर देश के किसानों पर कर्जा होगा तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी, राहुल जी इस देश के किसानों को मजबूत करना चाहते हैं और आज मध्य प्रदेश के अंदर हर किसान, हर नौजवान कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश नर्मदा के अंदर काफी पानी दे रहा है, फिर भी गुजरात की सरकार वहां के किसान को पानी नहीं दे पा रही। उद्योगपतियों की कंपनियों में पानी जा रहा है, किसानों के खेत में पानी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है और पूरा देश भी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। 2 करोड़ की रोजगारी का मामला हो, 15 लाख रुपए का मामला हो, इन सारे मामलों में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस हो रहा है। पर आज नरेंद्र मोदी जी इस देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा ला रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने तय किया है कि हमारा मुद्दा है तो रोजगारी है,
किसानी है, महिलाओं का सम्मान है और भारत माता को सबसे मजबूत करने का हमारे पास मुद्दा है। और इन सारे मुद्दों के साथ मैं मानता हूं कि 2019 की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की जड़ को मजबूत करने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी ने देश के संविधान को, देश के किसानों को जिस तरह से परेशान करने का, नुकसान करने का काम किया है वह हम हरगिज नहीं होने देंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में एक आवाज उठ रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरह से एक प्रदेश में काम किया है, निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी देश में अच्छा काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी ये भूल गए हैं कि अगर एक सिगरेट एक इंसान के लिए हानिकारक होती है तो एक गलत इंसान भी, एक गलत प्रधानमंत्री भी देश की जनता की हानिकारक है और ये साबित हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी पर देश की जनता ने भरोसा किया है और इसीलिए पांचवें चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की मुंह पर से हंसी निकल गई थी, हमारे मुंह पर हंसी है, हम हंस रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता को गुमराह अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उस पर गलत टिप्पणियां नहीं की जाती। बड़े भूखे साधन है जो पिछले दो तीन दिन से देख रहा हूं, मुझे ऐसा था कि एक सभा में शायद वो बोल गए लेकिन उन्होंने दूसरे सभा में गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिस तरह से भाषा का उपयोग किया है इससे साबित हो गया है कि देश की जनता ने ईमानदार नेतृत्व को चुना है, वो राहुल गांधी के नेतृत्व को चुना है, कांग्रेस पार्टी को चुना है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 5 साल का जो अपना कार्यकाल है उस पर क्या किया उस पर जनता के सामने कोई बात नहीं रखी। जब कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता तो गलत बात और झूठे प्रचार पर निकल जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में कितने नौजवानों को रोजगार दिया, उनकी एक भी बात नहीं है। उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं किया उस पर एक भी बात नहीं, ना 15 लाख रुपए खाते में आए उसकी एक भी बात नहीं। इन सारे मुद्दों पर देश के नौजवान और किसान उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे, जवाब मांग रहे। आज भोपाल में आया हूं, कई लोगों ने काफी सवालें भी किए मुझे, तो कई लोगों ने मुझे पूछा हार्दिक भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। मैंने कहा कि मैं भाजपा में नहीं और कांग्रेस में हूं इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर मैं भाजपा में होता तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ सकता था, जैसे आपके यहाँ एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सारे मामलों में ये साबित हो गया है कि आप सरकार के खिलाफ है तो आप देशद्रोही है और आप चाहे देशद्रोही होते हुए भी सरकार के साथ है तो राष्ट्रद्रोही है। और इन्हीं सारे शब्द विचारों के साथ इस बार जनता मुद्दों के साथ है, इस बार जनता सत्य और अहिंसा के साथ है, इस बार जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल, बस यही मेरी बात है। आपको जो भी सवाल है आप मुझे कर सकते हैं। वही तो गलत प्रचार हो रहे हैं कि आएगा मोदी, पता नहीं कहां से आएंगे। जैन सर तो मुझ पर क्या बटन लगाया गया है, मुझ पर क्या अत्याचार किया, 2 देशद्रोह के मुकदमे लगाए, 9 महीने जेल में रखा, 6 महीने गुजरात बाहर रखा और सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आपको ये उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देशद्रोह पे मुकदमा लगाया आपका? देखो पहली बात कि देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा अलग है, कांग्रेस पार्टी ने राजद्रोह के मुकदमे को हटाने की बात की, देशद्रोह के मुकदमे को नहीं। पर यही तो विडंबना है इस देश के अंदर के सही मुद्दों के साथ बात ही नहीं हो रही। राजद्रोह मतलब होता है कि इस राज्य में अगर कोई किसान आंदोलन करेगा तो सरकार उसको राजद्रोह का मुकदमा लगा देती है, उसको हटाने की हमने बात की, लेकिन इस देश के खिलाफ जो होगा उसके लिए देशद्रोह का मुकदमा सबसे मजबूत है। गुजरात के अंदर बीजेपी से 1 सीट ज्यादा हमारे याद है, 13 से 14 की तारीख हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि ईवीएम में हमारा सेटिंग है मोदी जी की तरफ से विशेष मिलता है। उसमें पूरा जग जाहिर है, राजीव जी ने बड़ी ईमानदारी से, मासूमियत से
इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन फिर भी राजीव जी ने कभी शिकायत नहीं की, बस उसमें सब जवाब आ जाते, खुलासे हम नहीं करते। ओके, और कोई प्रश्न? हिंदुस्तान जातियों से बना है, सब जातियों को मजबूत और इकट्ठा होने की जरूरत है, तभी मेरा भारत महान है।